अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ अपने किचन डिलीशियस कुकिंग विद समीना 25 में। और आज हमारे किचन में फ़िश बन रही है, फ़िश का सालन। तो मैंने इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये वही फ़िश मसाला है, बेसिक मसाला जो मैंने आपको तैयार करना बताया था, जिससे आधा काम हल्का हो जाता है। और ये फ़िश है मेरे पास ऑलमोस्ट आधा किलो या उससे ज़रा सी ज़्यादा है, लेकिन 750 ग्राम से कम है। ये मैंने बघार के लिए थोड़ा सा ज़ीरा और मेथी दाना लिया है। ये है टमाटर जो मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। हरी मिर्च है, हरा धनिया है। ये मैंने दही लिया है। ये मेरे पास है राई, अजवाइन है ये। और ये मेरे पास सूखी मेथी है। और ये है गरम मसाला। तो आइए मैं बताती हूँ आगे क्या करते हैं। अभी मैं फ़िलहाल राई और अजवाइन पीस लूँगी। व्यूअर्स, मैंने अजवाइन और राई को पीस लिया है, ये मैंने पीस के रखा है। और फिश में मैंने सिरका और नमक लगा के रखा था, जिसे अभी मैंने धो लिया है अच्छी तरह। इसको मैंने सिरका नमक लगा के 10 मिनट के लिए रखा था, ताकि इसकी बेसन ख़त्म हो जाए और इसमें जो फाजिल चिकनाई है वो निकल जाए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं ज़ीरा मेथी दाना बघारूँगी और मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी शामिल कर लिया है जो मेरे पास फ्रोज़न था, तो उसको मैंने लिया है। तो आगे अब मैं चलती हूँ क्या करना है। व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ज़ीरा मेथी दाना और ये डाल दूँगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना बहुत से इलाकों में नहीं भी मिलता तो आप इसको इग्नोर कर दें। हमारे यहाँ तो आसानी से मिल जाता है, इसलिए अच्छा भी लगता है, हम डाल लेते हैं। अब मैं इसमें ये मसाला डाल दूँगी। मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँगी, फिर थोड़ा सा पानी डालूँगी। अब मैं इसमें पानी डाल दिया है मैंने। पानी के साथ ही मैं इसमें टमाटर डालूँगी। टमाटरों को गलने तक पकाएंगे। व्यूअर्स, टमाटर हमारे अच्छी तरह गल गए हैं। अब इसमें मैं ये डालूँगी दही। मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही डालूँगी। थोड़ा सा डाल देती हूँ। साफ कर लूँ। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं और चीज़ें डालूँगी। दही टमाटर हमारा भुन गया है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी गरम मसाला और सूखी मेथी, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन और मेथी दाना जो हमने पीस के रखा था। और यहाँ इस पॉइंट पर आप लोग इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। तो मैंने नहीं बढ़ाया क्योंकि हमारे यहाँ इतना बहुत मीडियम खाया जाता है। इसमें हमें अब हरी मिर्च डाल दूँगी, ताकि इसके मसाले में हरी मिर्च की खुशबू अच्छी लगती है, तो ये बस जाएगी इसमें। और अब मैं इसमें ये सब भून गया है, तो मैं इसमें जो है फिश के जो पीसेज हैं वो डाल दूँगी। व्यूअर्स, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और अब मैं इसमें फ़िश के पीसेज डाल दूँगी और फिर इसको 5 मिनट के लिए पकने दूँगी। अब मैं इसको लिड लगा के इसको पकने दूंगी
थोड़ी देर एक तरह से बनाऊँ पकाऊँगी, फिर उसकी साइड्स चेंज कर दूँगी। व्यूअर, एक साइड से पकते हुए इसे 3 मिनट हो गए, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। बहुत से लोग जो हैं फ़िश के पीसेस जो फ्राई करके बनाते हैं, मसाले में डालते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप डाल लीजिएगा जो भी फिश बनाएं आप। अब 3 मिनट इधर से पका के फिर मैं आपको डिश आउट करके और फिर मिलूँगी। व्यूअर्स, फिश हमारी तैयार हो गई है, इसे मैंने डिश आउट कर लिया है और अब मैं इस पर हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश कर देती हूँ। तो अब आप बताइएगा आपको कैसे लगी ये फ़िश मसाले वाली, जिसको मैंने बेसिक मसाला जो तैयार करके रखा था उसके साथ बनाया है। और अब जो है आपको कोई और डिश बना के बताऊंगी, और आप बताइएगा कैसी बनी है। कमेंट्स करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा जो नए आने वाले हैं, और मुझे इजाज़त दें डिलीशियस कुकिंग विद समीना 25 से। तो मैं फिर कभी किसी दूसरी डिश में मिलूँगी इंशाल्लाह जल्दी। तो अल्लाह हाफिज़।